क्या आपकी ड्रीम कार आपके पास है या फिर अभी तक एक सपना है? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी महंगी और फ्यूचरिस्टिक कार्स की इंफॉर्मेशन जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि ये कार हवा में भी उड़ती है, जमीन पर भी चलती है और इनकी फ्यूल कंजप्शन उसकी तो बात ही मत पूछिए। अब सब कुछ हम यहीं बता देंगे तो वीडियो के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अपसाइड डाउन फोर्ड F-150। आपने अब तक जितनी भी गाड़ियां देखी होंगी उनमें टायर्स नीचे की तरफ रहते हैं। अगर किसी गाड़ी में टायर आसमान की तरफ हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसका मतलब ये गाड़ी पलट चुकी है और डैमेज हो चुकी है। लेकिन जरा अमेरिका में रहने वाले इस व्यक्ति से मिलिए, इन्होंने एक ऐसी कार डिजाइन की है जिसे देखकर हर कोई देखने वाला हैरान रह जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले इस व्यक्ति का नाम है रिक सेल्विन। 6 महीने की कड़ी मेहनत और $6,000 की लागत से रिक ने इस गाड़ी को तैयार किया है। इस कार को फोर्ड कंपनी के F-150 ट्रक से तैयार किया गया है। साल 2019 में ये ट्रक दुनिया का सबसे ज्यादा सेल होने वाला व्हीकल था। इसके 2 यूनिट्स को जोड़कर इस कार को बनाया गया है। इस कार में 8 टायर्स लगे हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे। बुगाटी चिरोन कार। दुनिया भर में बुगाटी का नाम कौन नहीं जानता? दुनिया की सबसे लग्जरियस एडवांस हाई स्पीड और बेहतरीन ब्रांड की कार बनाने वाली इस कंपनी की एक स्पोर्ट्स कार चिरोन को देखने का मजा ही कुछ और है। दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार बुगाटी चिरोन की कीमत भारत में 30 से लगभग 50 करोड़ के बीच की है। अब इतनी कीमती कार पर अगर कोई स्क्रैच लग जाए तो उसकी रिपेयरिंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बुगाटी चिरोन मैन्युफैक्चरिंग ने इस कार में कुछ चेंजेस किए हैं। इसका वजन 1.5 टन है और पूरी बॉडी में लगभग 10 लाख पार्ट्स लगे हैं। गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स जैसे कि स्टीयरिंग वगैरह स्टील के ही पार्ट्स लगाए गए हैं। अब इतनी महंगी गाड़ी का डिजाइन इतना यूनिक है कि अगर इसमें कोई स्क्रैच लगाना भी चाहे तो स्क्रैच नजर नहीं आएगा। इसमें मौजूद लाइट्स और नए सिस्टम यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट भी करते हैं। उम्मीद है ये खूबसूरत कार आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो का मजा लेते हैं। बैम्बू कार। लकड़ी से बनी हुई खूबसूरत चीजें अभी तक आपने अपने घरों में सजाई होंगी। लकड़ी से बनी हुई चीजों को होम डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में लकड़ी की बाइक साइकिल जैसी चीजें भी बनाई जा चुकी हैं। और ये सारी चीजें काम भी बराबर कर रही हैं, लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं लकड़ी से बनी एक ऐसी कार जिसे देखने में आपको वो चिड़िया जैसी नजर आएगी। इस कार में कांच का भी उपयोग किया गया है। इस कार की बॉडी को बैम्बू से बनाया गया है। कार चलाने में किसी नॉर्मल कार की तरह ही आसान है, वैसा ही कंफर्ट भी देती है, लेकिन इसका यूनिक लुक इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अब एक और गाड़ी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है द थोरियम। आज के दौर में कार पेट्रोल या डीजल से चलती है। इसके अलावा गैस या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल भी मार्केट में आ गए हैं, लेकिन ये सभी व्हीकल कुछ समय तक ही चलते हैं। दोबारा कार को रिफ्यूल करने के लिए हमें किसी फ्यूल स्टेशन पर जाना पड़ता है। पर हम जिस फ्यूल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो सबसे अलग है। सन 1828 में एक स्वीडिश केमिस्ट के द्वारा इस सब्सटेंस की खोज की गई थी। इसे थोरियम कहा जाता है, जिससे काफी लंबे समय तक फ्यूल की कमी को पूरा किया जा सकता है। उस समय इस सब्सटेंस की केवल 8 ग्राम को ही यूज किया गया था और ये स्पेशल कार डिजाइन की गई थी जिसके द्वारा लेजर पावर सिस्टम को तैयार किया गया था। लेकिन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतना रेयर है कि आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को फ्यूचर के लिए स्टे कर दिया गया। ऊबर। ऊबर की टैक्सी सर्विसेज को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता, ये पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन आने वाले समय में अब आप ऊबर की एयर टैक्सीज भी देख सकते हैं। ये एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, इसमें 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं और जिस दूरी को बाय रोड तय करने के लिए आपको घंटों का समय लगता है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा।
साल 2023 के अंत तक Uber इस टैक्सी को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके चलते आपको बस एक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और मोबाइल से ही Uber एयरक्राफ्ट की राइड बुक करनी होगी। एरो मोबाइल, सामने से देखने पर तो ये गाड़ी आपको किसी स्पोर्ट्स कार के जैसी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इसके करीब जाएंगे तो इसके इनोवेटिव फीचर्स आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि करीब से देखने पर यह आपको किसी एयरक्राफ्ट की तरह नजर आती है। केवल नजर ही नहीं आती है बल्कि ये उड़ती भी है। जी हाँ, ये हवा में भी चल सकती है। इस कार को टेक ऑफ करने के लिए किसी रनवे की जरूरत भी नहीं है, ये घास के मैदान में ही सिंपली टेक ऑफ कर जाती है। जून 2017 में एक स्लोवाकियन कंपनी ने पेरिस के एयरपोर्ट पर इस कार को प्रोजेक्ट किया। इस कंपनी ने पहली बार दुनिया को इस गाड़ी के दर्शन कराए थे। कंपनी का मानना है कि साल 2023 के एंड तक वो इस कार के 500 यूनिट बनाकर तैयार कर देंगे। इस कार की कीमत है $8.3 मिलियन और इसकी स्पीड 620 मील की रेंज में कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है। इस कार में मौजूद है पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजन, रोटेटिंग एड ब्लेंडिंग लो हाई स्पीड रूटर के साथ जमीन की सतह पर दौड़ने के लिए इसमें टायर्स भी लगाए गए हैं। तो भैया, अगर आपको हवा में उड़ती हुई कार में बैठने का शौक है तो समझ लीजिए इस कंपनी ने ये कार सिर्फ आपके लिए ही बनाई है। गूगल ड्राइवलेस कार। कार खरीदने से पहले ड्राइविंग सीखना जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार ड्राइव करने की बजाय ड्राइवर रखना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन एक लॉयल ड्राइवर मिल जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए साल 2008 में गूगल ड्राइवलेस कार के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था। बहुत ही जल्दी ये ड्राइवलेस कार मार्केट में भी आ जाएगी। इस गाड़ी में 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। इस कार में इमरजेंसी ब्रेक भी मौजूद है और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ये कार अपनी स्पीड को भी एडजस्ट कर लेती है। इस कार में एक्सीलेटर, स्टेयरिंग, गियर जैसी चीजें नहीं है। कार के ऊपर एक 360 डिग्री व्यू देखने वाला डिवाइस लगा हुआ है। इस कार के सारे सिस्टम ऑटोमेटिक हैं। आपको क्या लगता है, हमारे देश की ट्रैफिक और सड़कों की जो हालत है उसे देखते हुए ये कार कितनी सक्सेसफुल होगी? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। द विंड एक्सप्लोरर। कार खरीदने का ड्रीम अगर सच भी हो जाए तो उसके बाद उसको मैनेज करना और उसमें रेगुलर फ्यूल डलवा कर उसे यूज करना भी कम खर्चीला नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोजाना थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डलवाते डलवाते हमें पता ही नहीं चलता कि लॉन्ग टर्म में हमने कितना ज्यादा खर्चा कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में विंड एक्सप्लोरर कार एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ये लाइट वेटेड विंड पावर्ड गाड़ी है जो हवा की ताकत से चलती है। दरअसल इस कार को पावर मिलती है इसके साथ चल रहे पैराग्लाइडर से। अक्सर आपने लोगों को पैराग्लाइडिंग करते देखा होगा, लेकिन इस कार के साथ पैराग्लाइडर को अटैच करके बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि इस कार के सिस्टम के अंदर बिजली पैदा करने वाला टर्बाइनर लगा हुआ है जो कि कार के अंदर मौजूद बैटरी तक पहुंचता है, जिसके जरिए कार को एनर्जी मिलती है। इस कार की बैटरी लिथियम आयरन से बनी हुई है। साल 2011 में इसे जर्मनी में बनाया गया था और इसे ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहरों के बीच चलाकर टेस्ट भी किया गया था। ये कार यूज करने में बहुत ही इजी है। अगर आप सिंगल ट्रेवल करना पसंद करते हैं तो ये आपके बहुत काम की चीज है। हवा की ताकत से चलने वाली ये गाड़ी लगभग 50 मील तक सफर कर सकती है। इसके लिए आपको कोई पेट्रोल या डीजल भरवाने की या फिर गैस यूज करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी बॉडी एल्युमिनियम की है और इसमें मोटरसाइकिल के टायर्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही पैराग्लाइडर भी चलता रहता है जो इसे लगातार एनर्जी देता रहता है। दोस्तों, इतनी खूबसूरत और यूनिक गाड़ियों वाला वीडियो लाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।